पाकिस्तान को एशिया कप में हराने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में कराई तीन खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी, जिसके डर से पाकिस्तान की टीम थर थर कांपने लगी है। दोस्तों आप भी जानना चाहते हो उन तीन खतरनाक खिलाड़ियों के बारे में, इस वीडियो को एक फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों T20 वर्ल्ड कप 2021 के एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था 10 विकेट से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने एशिया कप 2022 के अपने पहले मुकाबले से ठीक पहले तीन खतरनाक खिलाड़ियों की भारतीय टीम में एंट्री करा दी है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एशिया कप में जब पहली बार भिड़ेंगे वो भिड़ेंगे 28 अगस्त वाले दिन दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में। दोस्तों भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला एशिया कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी 28 अगस्त वाले दिन, जिसके लिए यजवंद्र चहल की कप्तान रोहित शर्मा ने वापसी करा दी है। चहल ने अब तक टोटल 62 मुकाबलों में 79 विकेट चटका दिए हैं। चहल आपको खेलते नजर आएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और वहीं गेंदबाजी में दीपक चार की वापसी हो चुकी है। चार ने 20 मैचों में 26 विकेट चटका रखे हैं। और वहीं दोस्तों सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल की वापसी हो चुकी है भारतीय टीम में। गाइस आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस मुकाबले को कौन जीतेगा।